सुबह थोड़ा बहुत था, मेरा एग्जाम था तो कैसे भी निकल गया। मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाई, दिखा ये कुछ दिखा, मेरी आँख भी आइस फ्लू चल रहा है, सब बच के रहे, पता नहीं ये कैसे हो गया, आंखों में से बहुत कीचड़ और पानी गिर रहा है, अंदर ही अंदर ना कुछ गड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ काट रहा है। आज मेरा एग्जाम है, इसको भी अभी आना था, या एग्जाम खत्म हो जाता तब हो जाता। चलते हैं फटाफट रेडी हो जाते हैं, मुझे थोड़ा पढ़ना भी है, थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगी एग्जाम में कुछ लिखने के लिए। आ गया बीच में, परेशान कर रहा है अभी। लेट निकली घर से, लेट हो गई, ये सुबह मैं 7 बजे उठी हूँ, यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है कुछ खाए पिए बिना, कुछ रात का भी नहीं बचा था कि रात का खा के आ जाऊँ, ये भूखे पेट आई हूँ और ये नमकीन लेकर आई, नमकीन खाऊंगी अभी, ये नमकीन खा के पेट मतलब काम चलाऊंगी। अभी मेरा कॉलेज बस आने वाला है, 3-4 मिनट लगेगा, जब तक के लिए मैं ये नमकीन खाती हूँ और टाइम भी नहीं, जल्दी जल्दी चलते। दिन में बहुत भूख लगती है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इस टाइम पे मेरे पास वैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद के खा लूँ, सीधा घर पे ही जाके खाऊंगी। अभी तो मेरी आईज थोड़ी बहुत ठीक है आइस फ्लू की वजह से, इसलिए मैं ये चश्मा लगा के आई हूँ। आप लोगों को पता है कि आइस फ्लू बहुत फैल रहा है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख के वो री एंट्री। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड देखा जा रहा है, मैंने तो अपना निकाल लिया गिरा। ये है कॉलेज, वैसे ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मैत्री कॉलेज। एंट्री तो हो गई, अब अपना रूम नंबर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 20 मिनट बाकी है, टाइम लगेगा ढूंढने में भी। अभी रूम नंबर भी मिल चुका है, 29। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, हिंदी का था, ठीक ठाक ही गया, अच्छा ही गया थोड़ा बहुत। ये है क्लास जिसमें मेरा एग्ज़ाम था, ये मेरी सीट है, यहाँ फ्रंट पे ही बैठे हैं, सेकंड फ्रंट से सेकंड, बाकी सारे लोग जा चुके हैं इधर, और कुछ ही हैं जो अभी फ़ोटो वोटो वगैरह वगैरह क्लिक करेंगे। चलते हैं हम घर, बिना कुछ खाए पिए आए हैं, पेट में गुड़ गुड़ हो रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, कल का पढ़ा नहीं है, मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया। अब घर पर जाके देखो वाईफाई कनेक्ट करके मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ वो तो घर जाके ही पता चलेगा कैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक मनीष वर्मा सर की वीडियो देखकर आती हूँ, बस उन्हीं की वीडियो के भरोसे आती हूँ, जो भी आता है जितना भी आता है भगवान के भरोसे, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। तो अभी चलते हैं, हाँ एक आध फोटो क्लिक करके। आँख मेरी कैसी हो गई है, पानी कंटिन्यू गिरा जा रहा है, सुबह से सुबह थोड़ा बहुत मेरा एग्जाम था, कैसे भी निकल गया, चश्मा लगा के गई थी, बड़ा पता नहीं चल रहा था, हल्का था, और अभी एग्जाम देने के बाद मैं आई, खाना वाना खा के नींद आ रही थी, सो गई मैं। अब उसके बाद अभी उठी हूँ तो देखो आंखें कैसी हो गई है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वाले आँख में भी हो रही है, बहुत जलन मच रही है, आई लेनी पड़ेगी अब। बस अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चुभ रहा है, कोई काट रहा है। अब मेरी संध्या रानी को भी हो गया, मेरी संध्या रानी को भी हो गया हल्का हल्का इस वाले आँख में, और ये मेरी बिहान को भी हो गया, इसकी मम्मा ने अभी काजल लगाया थोड़ा थोड़ा, गली में भी बहुत लोगों को हुआ है, पता नहीं कैसे हो जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग बच के रहो, चश्मा लगा के घूमो। संध्या रानी को लग रहा है अब काजल, इससे ये रहता है ना कि थोड़ा ठीक हो जाएगा। कैसे काजल लगाई है संध्या रानी, दिखा संध्या रानी। शट अप। आज ये सबको डांट के ही रह गया, सबकी बात लग रही है। बाय। संध्या रानी का कहना है मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, ब्लॉग ना बनाऊँ, क्यों ना बनाऊँ, आप लोग बताइए बनाऊँ कि ना बनाऊँ। आप लोग भी अगर मना करेंगे तो भी मैं बनाऊँगी। थोड़ा सा काजल लगाएंगे, पता नहीं इससे ठीक होगा कि नहीं होगा, दूसरे में भी लगाते हैं क्योंकि दूसरी आँख भी ऐसी लग रही है, ऐसी होने वाली है। ये मेरी बाबू का काजल है, बहुत खिचली हो रही है अंदर के, काजल लग गया, अब थोड़ी आँखें सही दिख रही है ना। इसमें दवाई डली हुई है आँख में डालने वाली,
तो शायद थोड़ा सही हो जाए। ये मैंने काजल एक साल बाद लग रहा है ये काजल मेरे आँखों में, क्योंकि दिवाली के दिन लगता है काजल, बनता है जब, वैसे काजल अच्छा लगता है लगाने में भी। अरे मेरी काजल लग गया और कितनी डरावनी दिख रही हूँ यार। हेलो दोस्तों, तो आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल डिटेल्स। इतना लंबा चौड़ा नाम है, बोलना भी नहीं आना है। संविधान कैसे बना, के अंदर क्या क्या है, मौलिक अधिकार वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसी का एग्ज़ाम है आज। आज मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गई, आज का एग्ज़ाम देखते हैं कैसा जाता है। मेरी आइस भी ठीक हो चुकी है, अभी एंट्री हो गई, रूम नंबर भी मिल गया। मेरा लास्ट एग्ज़ाम है आज का, पढ़ा तो है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है। मनीष वर्मा शर्मा क्या नाम है उनका, उन्हीं की वीडियोज़ देख कर आई हूँ मैं। लास्ट में जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं पूरा अपना ये कॉलेज दिखाऊंगी। ये देखो क्या कर रखा है मैंने। थोड़ा टाइम और बाकी, जब तक थोड़ा हवा खाते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं, ठीक है। थक गई मैं। हालत कैसे हो गई है, मुंह की हालत देखो कैसे हो गई है। लिख लिख के हाथ दुखने लग गया, नहीं ये वाला नहीं था दूसरा, पूरा लिख लिख के हाथ दर्द होने लग गया यार। तो सब धीरे धीरे जा रहे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, उसके बाद मैं भी निकलूंगी। तो ये है वो जहाँ से एंट्री होती है, चलती हूँ। कपड़े भी मुड़े गए। ये है एरिया, असेंबली एरिया शायद वो वाला है, पता नहीं कौन सा है। मुझे तो जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ, क्योंकि ग्राउंड टाइप होता है ना, असेंबली एरिया ज्यादातर ग्राउंड टाइप होता है। कॉलेज तो हाय, इतनी धूप लग रही है। फिल्टर में फोटो मैंने लिया है, क्योंकि ऐसे तो साफ तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसे आई होगी। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी इस धूप की वजह से, पता नहीं मेरी ब्लॉगिंग भी दिख रही है कि नहीं। यहाँ पे अपने अपने में लगे पड़े हैं, सब अपनी अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं। हम भी चलते, यहाँ से दिखाया था ना, वैसे खड़े होके दिखाया था। ये एरिया है वो एरिया, लास्ट का एंट्री गेट, एग्जिट गेट भी यही है। ये है पूरा मैत्री कॉलेज। जितने दिन एग्जाम हुए इतने दिनों में तो और लोगों के फ्रेंड ही फ्रेंड बन गए, सब अकेले आए थे, साथ लेके जा रहे हैं इतने सारे लोगों को घूमने के लिए। मैं अकेली आई थी, मैं अकेली जा रही हूँ घर। हो रही है मेरी एग्जिट मैत्री कॉलेज को। बाय बाय टाटा, सबको बाय बाय टाटा कर देते, इस कॉलेज को बाय बाय टाटा।